मानव जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने का साधन है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के मुख्य आतिथ्य एवं राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की गरिमामय उपस्थिति में गैरिसन ग्राउंड जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतत् इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है वो योग है। संपूर्ण मानवता के लिए योग भारतीय संस्कृति का अनमोल उपहार है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारतीय सांस्कृतिक विचार का जो जबरदस्त गहराई है उसको दर्शाती है। थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, जो कि हमारी साझा आकांक्षाओं का अर्थात वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का प्रतीक है। हमने देखा है कि सदी की घातक महामारी कोविड से उबरने की कोशिशों में भी योग अत्यंत उपयोगी साबित हुआ है। पहला सुख निरोगी काया, अगर सुखी रहना है तो पहली शर्त है निरोग रहना, और निरोग रहने के लिए योग से बड़ा साधन और दुनिया में कोई नहीं है। इस योग दिवस पर हम योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प लें, योग करें, निरोगी रहें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई।